चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगर इस सरकार में अगर हुआ है तो क्या नाम हमारे SC ST एक्ट पे जो हमला हुआ वो इस सरकार में हुआ, हमारे दिल्ली जो गुरु घर पे जो क्या नाम इन्होंने ढाया वो इस सरकार में हुआ। हमारा जो SC समाज है वो बदनाम है, हम वोट कहीं दे लो कि भाई वोट माया तू देगा यार, तो हम भी सही साहब अपने बहन जी के साथ में चले गए। सबका साथ सबका विकास अगर होता तो हम या हमारी जो दलित आदमी है ये धक्के खाती ना फिरती यहाँ पे। बहन जी ने अपने शासन काल में सबसे अच्छा काम करा, केवल हमें तो बसपा का वास्ता है जी, हार में जाओ या जीत में जाओ। MA, MSc, MA, BEd सब करे हुए हैं लेकिन नौकरी किसी पे नहीं है, खासकर हमारे आपस में दलित लोगों में। गरीब के हक में तो देख कुछ कर नहीं रहा, ये 5 किलो ना देख मिलने में 5 किलो में काम चले। किसान नेता भी उधर चले गए आपके तो? अरे किसान नेता चल जाओ, हम तो वोटर हैं, 13 महीने वहाँ बैठे रहे हैं, जीप जानो देख क्या इलेक्शन हार जाओगे जीप हाथ जोड़े। तो इस सीट पे क्या देख रहे, किसे देख रहे? किसे कराने पे? हाँ कराने पे आ रही भाजपा, भाजपा आ रही। जीतेगा कौन? और जीतेगी इकरा, इकरा जीतेगी। सरकार के एक साल होली कोई आ कोई करा किसी का लमड़ा भर्ती। सीसे में आपका स्वागत है, हम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर है और कैराना लोकसभा सीट का ये बनत गांव है जहां पर हम आज दलित समाज के बीच है। मैं दर्शकों को बता दूं कि भाजपा से प्रदीप चौधरी जी को टिकट मिला है कैराना सीट से और सपा से इकरा हसन जी को टिकट मिला है और वहीं बसपा से श्रीपाल राणा जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। आज हम दलित समाज के बीच है और जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर क्या उनके मुद्दे हैं और किस तरफ दलित समाज सोच रहा है इस बार वोट करने की। बाबा जी नमस्कार जी, क्या नाम? सतपाल है जी। अच्छा जी, क्या लग रहा है जी, चुनाव आ गए तो 19 तारीख में वोट होगी, क्या देख रहे हैं? भाई जी हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं जो कुछ समझ जा, या एक बार देख ले। अच्छा। अगर नहीं मानते आप बताए तो जी भी पता लगेगा। अच्छा, तो बसपा से भी है यहाँ जो उम्मीदवार है श्रीपाल राणा जी है जी। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से और इकरासन लड़ रही है सपा से और प्रदीप चौधरी जो पहले सांसद है वे भाजपा से है। कौन से लगे आपको कैंडिडेट ज्यादा मजबूत है? हमारे लिए तो करना खाना है। अच्छा, पार्टी के लिए आप बताओगे जी भी तो उसे वोट दिए जाएगी, अकी उसे देनी या नहीं देनी, उसे देनी या उसे देनी, कौन सा अपने हित में। काम कैसा रहा सरकार का, मोदी सरकार कैसी लगी? मोदी सरकार तो भाई जोरासन पहले में लग रहा था वही मिल रहा, पहले मकान बनवाए होंगे 60 साल पहले, वो तो बिछड़ी में किसी कई प्रधानों का आत्मा होता, जिसके जी मावे बनवा दे, जिसकी जी मावे न बनवाया। क्या लगा बाबू जी, कैसी रही सरकार 10 साल सांसद रहे? हमारे लिए तो जी आप बहन जी के बारे में पूछो। अच्छा, तो बसपा से श्रीपाल राणा जी है उनका टिकट हुआ है, क्या लग रहा, कैसे समीकरण दिख रहे सीट? समीकरण तो ये दिख रहे कि हम जो है हम मोहल्ले के या दलित समाज के लोग ज्यादातर हम कैंडिडेट नहीं देखते, हम तो बहन जी को वोट दिया करें। आप पार्टी देखते हो? हाँ जी, बस पार्टी को वोट दिया करें। पहले भी 84 से पार्टी बनी, 84 से अब तक हमें तो कोई पता नहीं कौन कहाँ से लड़ रहा है, हमें तो बहन जी का टिकट मिल गया या किसी को भी उठा दिया उसे वोट दे ली, हम कैंडिडेट को पूछते ही नहीं कौन है कैंडिडेट। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी तो अभी काम नहीं कर रही है उस तरीके से, समाज के बीच नहीं रहते, इस तरह के लोग कह रहे कि भाई उनकी राजनीति पीछे हटती जा रही है। बहन जी ने अपने शासन काल में सबसे अच्छा काम करा, बहुत ही अच्छा काम करा, सबके लिए काम करा, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करा, सबसे अच्छा काम करा। नमस्कार जी, इसका क्या नाम जी? रमबीर जी। रमबीर जी क्या लग रहा, कैराना सीट है, चुनाव आ गए 19 तारीख में वोटिंग होना? हाँ जी, मायावती को वोट देंगे। हाँ, बसपा को? बसपा को। अच्छा, तो श्रीपाल राणा जी को संपर्क बना पा रहे हैं? हाल तो कोई आया नहीं। तो किस आधार पर वोट करेगा? मायावती को वोट करेंगे, सीधा बहन जी को देख। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी चाहे उसका कैंडिडेट कोई भी है, मायावती को वोट करेंगे। पहले से ही करते? पहले से ही करते आ रहे। क्या लगा बाबा जी? देखो जी, हमें तो हत्या के सिवा कुछ नहीं दिखता, जब से बसपा पार्टी जब से हमने होश संभाली, हमें इसके सिवा कुछ नहीं दिखता हत्या के सिवा। लेकिन हाथी पीछे होते जा रहे, कह रहे कोई नहीं, हमें नहीं किसी से कोई मतलब है, हाथी पीछे जा रहा आगे जा रहा, हम तो आगे बढ़ाने की कोशिश करें, चला जाओ पीछे। आप पार्टी देखो या कैंडिडेट? हाँ पार्टी देख रहे हम,
हाथी पार्टी तो है और हाथी से हमने आपसे कोई बात करी, कैंडिडेट जो होगा हाथी का उसे वोट देंगे। आपके जो बच्चे हैं नौजवान पीढ़ी है वो किस तरह से देख रही है? एक और अगर देखे तो चंद्रशेखर भी भाई उनकी पार्टी भी आ रही है एक तरह से। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं और किसी वास्ता, केवल हमें तो बसपा वास्ता है जी, हार में जाओ या जीत में जाओ। सरकार का काम कैसा लगा मोदी सरकार का? हाँ जी हम बुराई करें और बढ़िया बताओ क्या बात है, ठीक करे बेचारे जो भी कर रहे, जो सकता आ जाओ ठीक ही करे। लोग कह रहे कि भाई महंगाई होगी, नौकरियां नहीं दे रहे, आरक्षण खत्म कर रहे, तो वही तो बता रहा मैं वही तो बता रहा मैं क्या लगा बाबू जी? भाई बसपा के ही हैं भाई हम तो, शुरू से ही बसपा के ही हैं। शुरू से यहाँ से कोई भी ऐसा नहीं मिलने लगा, यहाँ तो सब शुरू से बसपा के ही हैं भाई। और महंगाई चुनाव के बाद देखियो, बजट पास पे जब देखियो महंगाई, क्या महंगाई बता रहे आप? भाई राशन पास राशन दे रहे, जो भी दे रहे, सामान दे रहे। अरे तो सच्ची पूछे, रोजगार दो ना मकान, रोजगार मकान तो खुद ही बना लगे जब रोजगार होगा। आदत खराब कर रहा, दही हराम कर रहा, कहीं 10 रुपए राशन अच्छा है या नौकरियाँ मिल जाए बच्चों को? राशन का हमें तो कार्ड भी नहीं, हमारे तो वहाँ राशन की बात कर। नौकरियाँ वगैरह मिली समाज में कुछ ऐसे? पहले देखो यहाँ से बच्चे इतने पढ़े लिखे, MA BEd सब करे हुए हैं, लेकिन नौकरी किसी पे नहीं है, खासकर हमारे आपस में दलित लोगों में। भाई सरकार तो हमें ही तो चाह, औरों को बड़ों को थोड़ा ही सरकार चाह, सरकार तो गरीब के लिए ही तो सरकार है, बड़े तो अपना काम अपने आप कर ले। मोदी जी तो न पैर भी धोए दलित समाज के भाई, ये भी कहा कि मैं मुझे गोली मार, वो मान रखा समाज को, वो उन्होंने उनका मान रखा, हाँ वो उन्होंने मान रखा, मान के उसमें जो है उनका सिस्टम ठीक चल रहा, सरकार बन रही है उनकी बार बार। लेकिन फिर भी जैसे हाथरस में हुआ दलित लड़की के साथ, दलित समाज की लड़की के साथ, जो ये तो सिस्टम हमारे यहाँ चल ही रहा, हमारी बिरादरी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहे, सरकार किसी की आ जाओ सिस्टम ज्यादातर ही वही चले, सुनवाई कहीं किसी की, गरीब की तो सुनवाई कहीं है ही नहीं। बहन जी की सरकार में, बहन जी की सरकार में तो अफसर कम पे थे, 11,000 का तार तो हमें कहते 11,000 चारों को ना छेड़ियो, 11,000 का तार का हाथ लगाओगे मारे जाओगे। लेकिन अब पीछे कैसे होते जा रहे, धीरे धीरे सीट घटती जा रही केंद्र में भी, और ऊंचे जा रहे, नीचे जा रहे, अब तो ये होते जा रहे, और क्या हो रहा ये बुझने वाली बात है सब जाननी। क्या लगा बाबा जी, क्या नाम? चली राम। अच्छा जी, क्या लगा किधर वोट करोगे? वोट तो बता तो रहे भाई, तो बसपा पे जाओगी? बसपा पे जाओगी सीधी सीधी। अच्छा, और अब जानते और एक लड़का और कह रहे कि भाई दलित समाज का नेता एक और आ रहे, चंद्रशेखर भी आ रहे, उसे नहीं मानते जी। अच्छा, उसका कुछ लोग तो घूमता रहे, आज मेरे दौरे है कल उसके दौरे चले जा। अच्छा, बाकी बहन जी जहाँ जम रही आज तक, और आखिर तक वो में ही रहेगी जहाँ जम रही है, वहाँ नहीं छोड़ कर जाए पार्टी। और मोदी जी का काम कैसा लगा समाज का? ठीक है जी, जैसा भी कुछ कर रहा, गर्भ के हक में तो देख कुछ कर नहीं रहा, ये 5 किलो ना दे, 1 महीने में 5 किलो में काम चले, वो सपना ठीक है जो भी सब ये देखिए आगे भरे इनका करो बात। नमस्कार जी, आ जाओ इधर, इधर को आ जाओ, इधर को थोड़ा सा इधर को। क्या नाम बाबू जी, नाम बताओ आप? सोमपाल है। सोमपाल जी, हाँ। चुनाव आगे तो लोकसभा, हाँ। क्या लग रहा है इस सीट पे, क्या देख रहे? कौन सी पे? कैराना सीट पे क्या देख रहे? ये कैराना में ही लगता होगा ना? कैराना में लगा। अच्छा, तो भाई 10 किलो तो यूरिया खागा मोदी, खाया नहीं खा जाएगा, पहले 10 किलो उसका था 50 किलो का, फिर 45 हो गई, हो जाएगा 40 का, 10 किलो कहाँ गया भाई? किसे वोट दे हम जो 10 किलो यूरिया भी कम कर दिया, 10 रुपये बढ़ा देते, 20-30 बढ़ा देते। ये तो कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत काम क्या कर रहे, मुझे सम्मान निधि मिली हो या कुछ मिली हो बताओ, खाता देख लो जाओगे, ढोल पीट रहे खमा खान हुई। ये तो किसान नेता भी उधर चले गए आपके तो? अरे किसान नेता चल जाओ, हम तो वोटर हैं भाई, वोटर को ही तो फिर तम टोते हैं, किसान को टोरे उसे टोरे तम पार्टी को, मतलब जो है उन्होंने भ्रष्ट सरकार है या कुछ नहीं सोच रही, या सरमाएदार हो गया किसानों की, नहीं है किसानों के हक में सही नहीं किया कुछ, क्या करा 13 महीने वहाँ बैठे रहे हैं, जीव जानू देख क्या इलेक्शन हार जाओगे जीव हाथ जोड़े। और रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार तो ठप हो रहे, भर्ती वर्ती नहीं हो रही? भर्ती क्या हो रही, 4 साल की क्या है, 4 साल में तो सिख है, क्या भर्ती है? और अभी पुलिस की आई थी, रद्द करवा दी, पुलिस की रद्द कर दी, ये जीप आउट करे हैं ये पेपर, तो इनका क्या शासन है?
ये तो कह रहे हैं 400 पार अब की बार, 400 पार नहीं जो है 100 पार हो जाइयो। गड़बड़ भी लगा है कुछ अंदर मशीन पसीन में, 400 पार जेब जाना है, जेब ईवीएम को हटावे, उसे हटाओ और दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, जो जीतेगा वो जो सीताराम। तो इस सीट पे क्या देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं? किसे? कराने पे। हाँ, कराने पे आ रही भाजपा। भाजपा रही, जीतेगा कौन? और जीतेगी इकरा। इकरा जीतेगी। अच्छा, हाँ चलिए। और क्या आपको क्या समझ में, क्या कुछ लगा है कि भाई जैसे दलित समाज भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, उनके लिए कुछ किया सरकार ने पिछले 10 साल? कुछ नहीं करा सरमाएदारों को, तो माफ करा लोन फोन जो कुछ, किसानों का कुछ नहीं करा। किसानों को तो अभिनंदित मूल्य समर्थन भी, और क्या देंगे? MSP? हाँ दें ना, अब तक तो नहीं दी, और फिर देंगे खुद को जब इलेक्शन आ जाएंगे फिर देंगे। चलिए अच्छा जी, क्या नाम भाई दोस्त? कोई बात नहीं। अच्छा जी नमस्कार भाई, क्या नाम जी अपना? देवदास है। देवदास जी, चुनाव आगे क्या देख रहे हैं, क्या माहौल बन रहा कराने में? बनत दोस्त है, गाँव बनत के रहने वाले हैं, जिला हमारा शामली है, हम तो हत्ती को वोट देंगे। पहले से चार, हाँ पहले से देते आ रहे और देते जा रहे। भाजपा नहीं लगती बढ़िया? नहीं, ये तो कह रहे सब लोग हमारे साथ। भाजपा को ये भी जवाब दिया, मतलब से ये भी जवाब दिया, इधर लंबे पढ़े लिखे मायावती की सरकार में बिना पैसा भर्ती हुए, सरकार के एक साल होली कोई आया कोई करा किसी का लंबा भर्ती, हर लंबे इतनी बिरादरी के पढ़ते लिखते आ रहे, लेकिन ये नहीं दे रहे नौकरी। 10 साल इनकी भी सरकार हो गई, नहीं भी देने गई नहीं भाई। कह रहे हम तो मोदी जी तो दलितों के पैर धोगे पी रहे, कुछ ही पियो, जो हमारी सरकार होगी तो हमारी सरकार में तो बिना पैसे भर्ती होगा भाई। हाथरस जैसी घटना हुई, क्या उसका गुस्सा भी है लोगों में? गुस्सा दुनिया भर का गुस्सा है सर। नौकरी पैसे की बात हो भाई, रोजगार की बात हो, दलित समाज में किस तरह से चीज़ें हो रही भाई, नौकरियां मिली या नहीं मिली? हमारी बहन जी की सरकार आई थी, बहन जी ने सबको नौकरी बिना पैसा जाट का हो, चमार का हो, झिमर का हो, छोड़े का हो, बिना पैसा भर्ती हुआ। सरकार भाजपा की 5-10 साल तो हो लिए, ज़्यादा नहीं तो आगे का तो पुण्य बदलने पर 10 साल तो हो लिए। किसी का जाकर भर्ती करा नहीं कोई करा, पुलिस की एक मेरा पड़ोसी है पंडित जी, मील में मेरे साथ काम करा, उसका लंबा फुल नंबर तक पास आया, सबके जाकर मंकी वहीं ख़त्म कर दी, मुकदमा लड़ रहा दिल्ली में बैठ के, कोई प्रमोशन नहीं हुआ। मायावती की सरकार होती बिना पैसा भर्ती होते, हम आज भी मायावती के बहन जी के, आज भी बहन जी के ही रहे इतने जीव के। तो कैराना सीट पर क्या देख रहे, किसको हम जीता रहे? अपने हम तो अपने को जीता रहे जी, श्री बाल राणा जी। हाँ जी, हम किसी की गारंटी लेते, हम अपने की जीता रहे। हाँ, और भी लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ हम लोग। जी नमस्कार जी, भाई जयकुमार भाई, क्या हाल? बहुत अच्छे जी। जी चुनाव आगे क्या देख रहे, कैराना सीट है, क्या माहौल बन रहा है आपके यहाँ? देखो जी, माहौल तो सभी अपने अपनी, और मैं तो खुले शब्द में कहना चाहूँगा कि जातिवाद खुला हो रहा है, क्योंकि जो किसान लोग हैं वो पहले क्या नाम कहते थे कि भाई हम तो इकरा हुसैन को वोट करेंगे, लेकिन जैसे ही चौधरी साहब भाजपा में गए अब ये उनके साथ हो लिए। जब किसान लोग क्या नाम अपने ही लोगों के पीछे और अपने नेता के पीछे जाएगा तो फिर हम भी अपनी माननीय बहन जी के पीछे जाएंगे। क्या लगे सरकार का काम कैसा रहा 10 साल, समाज के प्रति क्या अच्छे काम किए, क्या गलत किए, क्या आप इस देख रहे? देखिए हम क्या नाम सरकार की बिल्कुल खुले तौर पर तो आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ हद तक काम भी अच्छे किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें बहुत गरीबों को भी मकान मिले हैं, लेकिन इसमें जहाँ तक हमें तो अपनी वो दिखती है कि हमारा क्या नुकसान हुआ और क्या फ़ायदा हुआ। अगर इस सरकार में अगर हुआ है तो क्या नाम हमारी SC ST एक्ट पे जो हमला हुआ वो इस सरकार में हुआ, हमारे दिल्ली जो गुरुघर पे जो क्या नाम इन्होंने ढाया वो इस सरकार में हुआ, और आए दिन हम देखते हैं कि मुस्लिमों पे भी कि भाई कहीं गौ हत्या के नाम पे कभी किसी उसके नाम पे बहुत अत्याचार हो रहा है। हाथरस भी हुआ तो नाराज़गी है लोगों में, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। क्या लगा भैया जी आपको? जय भीम जी, क्या लगा सरकार कैसी रही समाज के प्रति? समाज के प्रति सरकार तो ऐसी है कि हर वर्ग नाराज है इससे, हर वर्ग। ये तो कह रहे 400 पार कैसे आ जाएगी, EVM हटा दो, 4 वोट ले लो, गड़बड़ लगा अंदर कुछ। अब गड़बड़ है तभी तो इतना विरोध होने के बाद भी फिर भी ये दिखा रहे कि अगर वोट नहीं दे तो 350 रुपये कट जाएगा अकाउंट से,
अच्छा ये मैसेज दिखा रहे? हाँ आई हुआ न्यूज में, अब सोशल मीडिया दिखा रही। अब बताओ 350 रुपये गरीब आदमी कहाँ से देगा? अगर वोट किसी कारण बाहर है कुछ है क्या कर रहे हैं? अब जो लोग विरोध कर रहे हैं कि हम यूम से वोट नहीं देने के, अब 350 रुपये सीट लग गए तो बताना सही तो आई हो ठीक। और ये बात जातिवाद वोट कर रहे वो कर रहे, जब नेता लोग ही जातिवाद के पीछे भाग रहे, अपने जैसे चौधरी साहब है अपने जब पूरे जाट समाज जुड़ा हुआ था उससे, भाई चौधरी साहब के पीछे अब चौधरी साहब बिजी में चले गए, भाई चौधरी साहब भाई अब कहाँ गए? जो कहते हैं हम बिजी को वोट नहीं करें वो करेंगे क्या? चौधरी साहब क्या ऐसा कोई नेता अपने फायदे के लिए किसी पार्टी ज्वाइन करता है तो समाज कहाँ जाएगा? वो बिरादरी कहाँ जाएगी जो विश्वास करती है? अब माननीय बहन जी है हम हमारा जो SC समाज है वो बदनाम है, हम वोट कहीं दे लो कि भाई वोट माया तू देगा यार, तो हम भी सही साहब तो अपने बहन जी के साथ में चले गए, वो साथ में चलता है। और जो लोग पीछे हटे हुए उनसे भी अपील है बहन जी का सर्व समाज सहयोग करें। नौजवानों के प्रति, रोजगार के प्रति या समाज में सुरक्षा के प्रति कैसी लगी सर 10 साल? अब रोजगार देखो दिन नौजवान खड़े यहाँ पे, घुमाओ कैमरा, जो रोजगार होता तो यहाँ खड़े होते हैं। बताओ बाहर सड़क पर जाओ नौजवान घूम रहे, इतने पशु घूम रहे थे नौजवान घूम रहे, नौजवान लोग पशु बना दिए। बताओ अब पशु सड़क पर जा तो एक्सीडेंट हो जा, नौजवान कहीं अट जा तो एक्सीडेंट हो जा। जब सब अपने काम पर हो गए तो अपना सब अपने काम पे रहोगे, फिर उधर कौन घूमेगा? ये तो कह रहे राशन दे रहे हम लोग 80 लाख लोगों को, राशन दे रहे कितना दे रहे? एक आदमी 5 किलो, 5 किलो हम बताओ कौन सा आदमी पेट भर लगा अपना, पूछो किस सेंस है 5 किलो में कौन सा आदमी अपना गुजारा कर लगा पूरे महीने? बताओ 5 किलो राशन में कौन आदमी अपना पूरा महीने का पेट भर सके? दूसरी बात राशन दे दिया अगर और भी तो खर्चे हैं। सांसद जी कभी आए गांव में प्रदीप चौधरी? हमें दिखाई नहीं दिए जी, जनता के भी संपर्क हमें दिखाई नहीं दिए जी, हम तो उनके जो फोटो है होल्डिंग में देख ले या पी न्यूज पाउस पर देख ले, अब लो हम सामने भी नहीं हुआ हमारा तो। अभी इस गांव समाज के लिए कुछ काम नहीं किया, क्या कह रहे जी? कभी इस गांव में प्रदीप चौधरी कभी आज तक नहीं आए, जब से जीत हुई हासिल हुई उनकी आज तक नहीं दिखाई दिए। काम नहीं किया कोई समाज के प्रति? काम तो जो है देखो कुछ ऐसे काम कर रहे जो ठीक है उन कर रहे, लेकिन हमारे गरीब आदमियों के लिए तो कोई काम नहीं किया। हमारा तो जो समाज इतना पीछे जा लिया, गड्ढे में जा लिया, जो हमारे शिक्षा में भी नीचे जा लिए, शिक्षा में भी गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता, कहाँ जाए? तो सरकारी स्कूल में चले जाए, वहाँ क्या है? वहाँ बच्चा सारा दिन बर्तन धोएगा, उनके बच्चा खेल लेगा, चम्मच थाली दे दे उनके हाथ में। तो आज हमारे बच्चे लिख पढ़ कर भी जो अगर किसी पढ़ लिया, पैसा है लगा कर पढ़ लिया किसी ने, तो वो बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाती, वो धक्के खा रहा। आज हमारा समाज इतना नीचे पहुँच चुका है। अब ये जो पहले दलित को बताया करते थे भाई लस्सी पे ही ये काम करवाए, वो काम आज कराएंगे, ये कराएंगे। मोदी जी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, अगर होता तो हम या हमारी जो दलित आदमी है ये धक्के खाती ना फिरती यहाँ पे। कुछ रोजगार की व्यवस्था नहीं करी? रोजगार आज रोजगार जो था भी वो भी खत्म हो चुका है, और हमारे बच्चे बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। अच्छा भैया जी एक चीज़ बताओ, जैसे एक बड़ा मुद्दा होता है निजीकरण, देख रहे होंगे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा स्कूलों का, रेलवे का, क्या इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा समाज पर? जो नौकरियां रिजर्वेशन में मिलती थी क्या वो घटेगी या क्या आप कैसे देखते हैं? अब जो पढ़े लिखे लोग हैं अब जब सब निजीकरण हो जाएगा फिर तो जिसके पास पैसा होगा वही निजीकरण में वही काम करेगा। अब जब जो जितने निजीकरण होने लग रहे हैं अब इनका नुकसान किसको है? जो युवाओं को तो है, निजीकरण हो जाएगा अब इसका फायदा बताओ किसका होगा? उद्योगपतियों को होगा जब प्राइवेट में चले जाएगा सब कुछ। जैसे पहले रेलवे में या बिजली विभाग में नौकरियां जो मिल जाती थी दलित समाज को, क्या वो घटी है बड़ी है या क्या हुआ है? पहले मिल जाती थी, अब बताओ कितनी मिली है? अब बिजली विभाग जैसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया पूरा। हाँ तो किसको मिली है? आपके यहाँ से मिली किसी को? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है जी, हमारी नॉलेज में नहीं है, मिली नहीं मिली। अगर नौकरी होती तो इतने युवा यहाँ पे घूम रहे हैं कहीं तो चिपके होते? बताओ कोई सभी निजीकरण में चिपका लो, चलो चिपका दो कहीं, प्राइवेट इतने कारखाने हैं, सामली है, बर्तनों के और भी है, जहाँ भी काम मांगने जाए एक ही काम ही नहीं है। अब जब प्राइवेट में जितने बर्तन के कारखाने हैं और प्राइवेट कंपनी है, दुकान है, जहाँ पर जाते हैं काम के लिए लड़का चाहिए? नहीं जी, क्यों नहीं चाहिए? ये काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है भाई? बाजार में खरीदारी नहीं है। खरीदारी क्यों नहीं है भाई? महंगाई है, कौन खरीदेगा? जो आदमी 300 रुपये कमा रहा या 400 कमा रहा वो खरीदारी कर अपना पेट भरेगा,
महंगाई का भी असर है। बिल्कुल है, जब अगर महंगाई महंगाई कम होगी तब आदमी बस बाजार सामान खरीद देगा। बताओ आप किसी दुकान पर चले जाओ, बताओ कितनी दुकानदारी हो रही हमारे गांव में, इतनी दुकान है, इतना बड़ा बाजार है जहाँ से हर चीज़ ले लो आप, आदमी सामने नहीं जा पाता। लेकिन मेरा बाजार खाली पड़ा, वो कहते हैं कि भाई बने हुए सरकार है, ब्राह्मण सरकार है, कि आप बनिया को दिख नहीं रखते, मेरा रोज़गार ठप हो रहा है। सरकार किसकी चाहिए जो रोज़गार दे, और रोज़गार मान्य बहन जी के शासन में 100% रहता है। दबंग बना खा, दबंग नहीं होता कोई, दबंग क्या होता है, दबंग बना नहीं होता। सरकार ऐसी कि कोई कान नहीं चला सकता, प्रशासन सख्त, शासन प्रशासन बिल्कुल सख्त रहता है, जितने अधिकारी सब अलर्ट रहते हैं, जल से बात हो जाओ, ये नहीं कि भाई हतरस कांड हो रहा है, ये हो रहा, रातों रात ये कर दो कर दिया, जमीन से जाँच होती जमीन स्तर से। लेकिन क्या कारण है जो बहन जी की सीटें कम होती जा रही है लगातार, क्या आपको उसके पीछे क्या नजर? बहन जी की सीट, एक तो बहन जी ने, माननीय बहन जी ने पहले कहा था ईवीएम हटवा दो, वो सीट देख लो, बहन जी का वोट बैंक कभी कम नहीं हुआ, वोट परसेंटेज तो है, वोट परसेंटेज, अगर वोट परसेंटेज तो फिर तीसरे राष्ट्रीय पार्टी कैसे हुई, तीसरा राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन दलित समाज भाजपा से कितना खुश है, कितना नाराज है, क्या लगे किस स्थिति में? दलित समाज जो सत्ता में बैठे है वही खुश है, जो सांसद MP MLA बने हुए भी खुश है, बाकी जितने गरीब या मजदूर लोग हैं आप पूछ लें से कौन खुश है। जो बैठे हुए सत्ता में वे अपना सुख भोग रहे हैं, और जिन्होंने उनसे सांसद बनाकर भेजा, चाहे मेरे दलित समाज के लोग हो या किसी समाज के लोग हो, उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ, क्या क्या कार्रवाई? बदलाव चाह रहे, बदलाव जरूर होगा अगर ये मटेगी तो। हम कैराना लोकसभा सीट के बनत गाँव में थे जहाँ पर हमने दलित समाज से बातचीत की, कहीं ना कहीं दलित समाज जो है बसपा के साथ है आज भी, और कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, और BJP को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी है समाज के बीच कि भाई उस तरीके से दलित समाज के काम नहीं हुए या उनके उस तरह से काम नहीं आ पाई है सरकार भी। लोगों की राय है, जुड़े रहे CCS से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।